हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में रिव्यू रहने वाला है रेडगेयर कोस्मो 7.1 हेडफोन का। इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं ऑलरेडी कर दिया हूं, जिसका शॉर्ट वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो फिर से अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको देखना है वो देख सकता है। तो चलिए फेक अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, फेक ही है क्योंकि रियल तो एक बार कर चुका हूँ अनबॉक्सिंग, और साथ ही 4 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस हेडफोन का। बॉक्स में रेडगेयर की ब्रांडिंग और बॉटम साइड में मॉडल नेम, और टॉप और राइट साइड में भी सेम ही है, बट लेफ्ट साइड इन बॉक्स दी गई है सब स्पेसिफिकेशन। चलिए तो बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। बॉक्स में विल, यूजर मैनुअल एंड स्टिकर। स्टिकर तो मैं चिपका दिया, इसको निकाल के नहीं दिखाने वाला। और एक हेडफोन, हाँ एक ही मिलने वाला है, दो चार तो मिलेंगे नहीं, बट एक ही हेडफोन काफी है आपके कान को फोड़ने के लिए। मजाक करूंगा इस, बट इसका लाउडनेस बहुत इनफ है। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन। इन हेडफोन में आपको मिल जाते हैं बड़े 50 mm के ड्राइवर्स, जिसके जरिए से अच्छा खासा साउंड जनरेट हो जाता है। और इस हेडफोन में मिलता है 7.1 सराउंड साउंड, जिसके जरिए गेमर्स के लिए एकदम भाई वरदान है। जब भी मैं CS:GO या वैलोरेंट प्ले करता हूं ना, तो मुझे इसके लाइव कंट्रोलर से वॉल्यूम को 8, 6 या 4 पे रख के खेलना पड़ता है, क्योंकि इसमें है आईडू सप्रेशन और 15 mm के विक ड्राइवर। और इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और कम्फर्ट के लिए दो बड़े बड़े कुशन्स भी मिल जाते हैं, और साथ ही ऊपर साइड में भी एक हेडरेस्ट मिल जाता है। हेडफोन की ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल है, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। ये हेडफोन मैट फिनिश में निकल के आ जाती है, इसका फील वगैरह बहुत सही है, और इसकी डिजाइन भी काफी सही है, और इसमें RGB मिल जाती है, और जो इसकी RGB का इफेक्ट है वो भी बहुत सही निकल के आ जाता है। होलोग्राम टाइप का RGB का इफेक्ट है, जो कि बहुत सही निकल के आ जाता है। और ज्यादा कलर पैटर्न तो नहीं मिलते इसमें आपको, बट जितने हैं सही हैं। मुझे वैसे ही ज्यादा RGB का शौक नहीं है, तो मुझे तो सही लगी RGB। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो कि ज्यादा RGB वगैरह पसंद नहीं है, तो आपको भी बहुत पसंद आने वाली है हेडफोन। केबल लेंथ भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, 1.7 मीटर के अराउंड है, और एक ब्रांडेड केबल है और बहुत मोटी केबल है, कहीं भी कटने पिटने का डर नहीं रहेगा। और टाइप ए का इसका कनेक्टर मिलेगा, और इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी करता है, तो कुछ इस प्रकार का सॉफ्टवेयर निकल के आ जाता है इस हेडफोन का। और इसको डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम में जाना है, और रेडगेयर कोस्मो 7.1 ड्राइवर्स लिख के सर्च कर देना है, और जो रेडगेयर की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वहां से ये वाला ड्राइवर डाउनलोड कर लेना। इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। तो कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर है इसका। मैं आपको इसमें मेन पॉइंट बता देता हूं, जिसको ऑन करने के बाद आपके हेडफोन में 4 चांद लग जाएंगे, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। पहले तो आप स्पीकर्स पे राइट क्लिक करना, तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इन ऑप्शन में से 7.1 वर्चुअल स्पीकर्स को ऑन करना है, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, और फिर सराउंड मैक्स को ऑन करना है। इन दोनों को ऑन करने के बाद आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड लाउडनेस तो बहुत सही है, और गेमिंग में तो और बूस्ट हो जाती है। और इसमें आपको वर्चुअल सराउंड साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं, जिससे इस हेडफोन का एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है। सॉफ्टवेयर से आप डिफरेंट टाइप के इफेक्ट को भी यूज कर पाएंगे, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसकी साउंड क्वालिटी को लेके। और साथ ही माइक की बात करें तो नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, और फुल्ली फ्लेक्सिबल माइक है, बट इसको आप अनप्लग नहीं कर पाएंगे, जब भी यूज करना है तो इस साथ में रहेगा, बट फ्लेक्सिबल होने के कारण आप इसको कहीं भी मूव कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसकी क्वालिटी बहुत मस्त है, और इसके साउंड की क्वालिटी कुछ इस प्रकार की निकल के आ जाती है, और इसको मैं स्टीम में भी यूज करता हूँ। माइक की क्वालिटी ठीक ठाक निकल के आ जाती है, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसी लगी। फाइनली वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो 999 से लेके 1000 से लेके 2000 तक अगर आपको ये हेडफोन मिल जाती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इसका भी का प्राइस 1000 चल रहा है, 999 चल रहा है, और 999 के से अगर हेडसेट की बात करें तो कंफर्टेबल मिल जाते हैं, और जो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन है वो भी एकदम तगड़ी सी है, साथ ही साउंड आउटपुट भी अच्छा मिल जाता है। माइक की वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 1000 में तो इनको अच्छा हेडसेट बोलूंगा, वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी अब बताओ आपको कैसी लगी ये वाली हेडफोन, और बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टाटा।